بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بات بارك الله يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوزع له القبول في الأرض متفق عليه وفي رواية المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوزع له القبول في الارض واذا ابغز عبدا دعا جبريل فيقول اني ابغز فلانا فابغزه فيبغزه جبريل ثم ينادي في اهل السماء फअज़ू फबाउलबाफ ये हज़र तब्रज़ी की रिवायत है उसमें वो कहते हैं कि नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब अल्लाह तबारक किसी बंदे को अपना महबूब बना लेते हैं उसे उस मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह तबारक सलाम को आवाज़ देते हैं और उनको कहते हैं कि मैं अपने फलाह बंदे से मोहब्बत करता हूँ तुम भी उनसे मोहब्बत करो फिर सलाम भी उससे मोहब्बत करते हैं फिर जबरील सलाम आसमान में रहने वाली जो है यानी आसमान के फरिश्ते उन सबको आवाज़ देते हैं कि अल्लाह तबारक वाली अपने फ़लाह बंदे से मोहब्बत करते हैं तुम सब उनसे मोहब्बत करो तो आसमान के जितने फरिश्ते हैं वो सब उस नेक बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं फिर उसके लिए ये कबूलीत ज़मीन में रखी जाती है यानी ज़मीन में जो नेक लोग होते हैं और शरीफ लोग होते हैं दीनदार लोग होते हैं वो उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत में इतना इजाफा है कि जब अल्लाह तबारक किसी बंदे से महब्बत करते हैं उसकी तो यही तरतीब है लेकिन जब अल्लाह तबारक किसी बंदे से नफरत करते हैं बगज़ रखते हैं उसकी सरकशी की वजह से उसकी बगावत की वजह से उसके गुनाहों की वजह से तो अल्लाह तबार को ताल से कहते हैं कि मैं फला बंदे से बुग़ रखता हूँ तुम भी उससे बगज़ रखो जबरीन अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से बुग़ रखना शुरू कर देते हैं और फिर जबरीन अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों को आवाज़ देते हैं कि अल्लाह फला बंदे से बुग़ रखता है नफरत करता है तुम भी उसे नफरत करो और बुग़ रखो फिर उसके बाद ज़मीन में उसके लिए ये बुग़ का जज्बा रख दिया जाता है यानी ज़मीन में जो दीनदार लोग होते हैं नेक लोग होते हैं उनके दिलों में ऑटोमेटिकली उस बंदे की नफ़रत आ जाती है उससे बख्ज़ आ जाता है उससे दुश्मनी आ जाती है ये अल्लाह की तरफ से होता है अब ये हमारी मर्जी है कि हम इन में से किस ग्रोह में शामिल होना चाहते हैं दुनिया में ये हमारे इख्तियार में है लेकिन अगर दुनिया से चले गए मौत का वक्त आ गया तो फिर ये हमारे इख्तियार में नहीं रहेगा दुनिया में अगर इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले खफा राशिदीन का नाम ले सहाब कराम का नाम लें अदेत अज़ाम का नाम लें तो दिल में एक अकीदत एक मोहब्बत पैदा हो जाती है और आदमी के दिल से बेख्तियार उनके लिए दुआएँ निकलती हैं और मोहब्बत के जज्बात का इज़ार होता है लेकिन अगर अबू जहद का नाम आए फिऱौन का नाम आए अबू लहब का नाम आए तो दिल में क्या कैफियत होती है एकदम गुस्सा आता है नफ़रत होती है और इंसान का दिल बख्तियार उन पर जानत भेजता है ये क्यों होता है जी वहीबूलीत और बख्स जो अल्लाह की तरफ से इंसान के दिल में रखी गई है ये उसका इजहार हो रहा है यही हाल मौजूदा दौर में भी है अगर कोई इंसान शरीफ इंसान नेक इंसान मतकी और परहेज़गार इंसान अच्छा जी इस्तेदार आलिम इंसान जो बामल हो जब वो रास्ते से जाता है चाहे उसकी ज़ुबान कोई भी हो उसका रंग किसी तरह भी हो लेकिन हमारे दिलों में उसके लिए मोहब्बत के जज्बात होते हैं हमारे बुजुर्गों में से एक बुज़ुर्ग गुजरें क़ारी फ़तेह मोहम्मद पानीपति रहमत ली इनकी करामत ये थी कि इनको आठ आठ दस दस बंदे अपना दौर सुना देते सुना देते और मजाल किया है कि किसी की कोई गलती रह जाए ये सब की गलती निकालते थे ये इनकी थी कि कोई इनको धोखा नहीं दे सकता हालान की कीमूमा ये होता है कि जब इंसान दो बंदों से बात करता है तो एक इंसान की तरफ तोज्जो होती है दूसरे की तरफ पूरी तवज्जो नहीं होती लेकिन आठ आठ दस, दस दस बंदों का क़ुरान बराबर सुनते थे और कोई उनको धोखा नहीं दे सकता इनका इनके शागर्द हैं क़ारी ताहिर पानीपति रमत आलि इन दोनों बुज़ुर्गों के मदीना मनवर में इंतकाल हुआ है और बकी में दोनों की खबरें हैं क़ारी ताहिर पानीपति रमत ली भी बड़े बुज़ुर्ग थे वो इनके हालात में लिखते हैं कि मैंने सिर्फ इम्तहान देने के लिए कि दुनिया में ज़िंदगी में तो कोई उनको धोखा नहीं दे सकता था अब जब इनकी मौत की कैफियत शुरू हो गई और बदन से रूह निकलनी शुरू हो गई इनके करीब में बैठा हुआ था और मैंने यासीन की तदावत शुरू कर दी जिस तरह हुक्म है कि जब मुर्दे की रूह निकलने लगे तो उसके करीब बैठ कर सुरह यासीन पढ़नी शुरू कर दो इससे उसकी रूह आसानी से निकल जाती है तो कहते हैं जब मैंने वो पढ़नी शुरू कर दी तो ये इम्तिहान देने के लिए कि ज़िंदगी में तो कोई इनको धोखा नहीं दे सकता था अब इनकी मौत का वक्त है आया ये धोखा खाते हैं या नहीं तो कहते हैं कि जान बूझ कर मैंने शुरय यासिन में एक जगह गलती कर दी अब सोचने की बात है कि रूह निकल रही है और यासीन पड़ी जा रही है और आखिरी वक्त है उस मौके पर इंसान पर क्या सख्ती होती है हदीस में आता है कि इतनी सख्ती होती है कि अगर उसके हाथ में तलवार हो तो उसके करीब जो लोग बैठे हुए हैं वो उन सब की गर्दन उड़ा दे ज़्यादा तकलीफ की वजह से इतनी ज़्यादा सख्ती होती है उस मौके पर कारी साहब कहते हैं कि मैंने जान बूझ कर सोर यासिन में एक आयत में गलती कर दी जैसे ही मैंने गलती कर दी तो ये एकदम हिल गए उस वक्त भी जाने नहीं दिया बात नहीं कर सकता इसे गिरुन गिर रही लेकिन एकदम हिल गए जैसे जलजला आ जाता है और इंसान को झटका लग जाता है तो ये फ़तेह मोहम्मद रहमल जो है ये आँखों से नाबी थे जो असल बात मैंने सुनानी थी वो ये है आँखों से नाबीना थे ब्लाइंड थे और ये जब किसी जगह जाते दावत में गुजारे कि जब नज़र नहीं आता इंसान को तो इंसान वो इख्तिया नहीं कर सकता जो देखने वाला करता है अब चावल खा रहे हैं तो कुछ मुंह में जा रहे हैं कुछ नीचे गिर रहे हैं दाढ़ी में और कपड़ों पर तो अब जो नीचे गिर रहे हैं लोग उनको तब्रुक समझकर उठा उठा के खा रहे हैं यह है वो कबूलियत जो अल्लाह तबारक ज़मीन वालों के दिल में उस इंसान की रख देता है हालांकि आम तौर पर नफरत होती है ना मुँह से अगर कोई चीज़ गिर जाए तो इंसान की तबीयत नहीं चाहती कि इस तरह की चीज़ खा दे बल्कि वॉमिटिंग होती है उल्टियाँ होती है लेकिन इन लोगों को अल्लाह तबारक कबूलियत दी थी कि वो गिर रहा है और लोग उसको तब्रुक समझ कर उठा उठा के खा रहे हैं तो ये इस तरह की कबूलियत होती है हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती उस्मानी साहब अगर उनकी ज़ाहरी शक्ल देखें वो कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है और अब जाके उन्होंने अपने दांत लगवाए हैं पान भी खाते हैं और जब हम पढ़ते थे तो कभी कभी पान के निशानात कपड़ों पर भी पड़े होते थे बहुत सादा ज़िंदगी है इनकी लेकिन वो जब किसी जगह जाते हैं तो लोग किस तरह टूटे हुए उनके पीछे जाते हैं न कोई बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत हैं न कोई बहुत ज़्यादा मालदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह मालदार हैं लेकिन बादशाहों की तरह मालदार तो नहीं है ना इसके बरखिलाफ़ जब हमारे हुक्मरान आते हैं और उस वक्त आते हैं जबकि उनकी कुर्सी ख़त्म हो जाती है तो फिर उनका क्या हाल होता है लोग टमाटर की बारिश करते हैं नहीं करते हैं। अंडे मारते हैं नहीं मारते मुर्दाबाद के नारे लगते हैं या नहीं लगते फौजी जर्नेल के हाथ में जब तक छड़ी होती है तो उसको सल्यूट किया जाता है जैसे वो छड़ी उसके हाथ से उतर जाती है फिर उसका क्या हाल होता है ये क्यों ये कबूलियत और ये नफरत अल्लाह की तरफ़ से दिल में रखी जाती है जो इंसान अल्लाह तबारक व ताली की मान कर चलेगा और अल्लाह को मना कर चलेगा तो अल्लाह तबारक लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत रख देता है और जो इंसान अल्लाह का बागी होगा तो लोगों के दिल जो है वो अल्लाह के कब्ज़ कुदरत में हैं लोगों के दिलों में नफ़रत भी फिर अल्लाह की तरफ से आती है और लोगों के दिलों में उसके लिए फिर अच्छे जज्बात नहीं होते तो ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है इसी वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ताकत के मुताबिक दीन से बेवफाई न करें सुन्नर से बेवफाई न करें और हमारा कभी भी, भी ग़लत न होने पाए और नेक लोगों की सोहबत, नेक लोगों के साथ तल्लक़ और नेक और मुसंदा के साथ हमारा रबता और उनकी सोहबत, उनकी दोस्ती ये हम अपने ऊपर लाजिम करें यही जराए हैं दीन दीदार बनने के जब इन जराए को हम अपनाएँगे तो हम दीनदार बन जाएंगे और फिर इस दर्जे में आ जाएंगे कि फिर अल्लाह तबारक ताली की तरफ़ से हमारे लिए मोहब्बत के ऐलानात होंगे अल्लाह तबारक ताल की तोहफी ख़दा फ़रमाएँ बसा